30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कुछ काम करने का तौर तरीका भी है। इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा और जनता के बीच में आने वाला इस झारखंड क्षेत्र में जो विकास के साथ साथ यहाँ का आदिवासी का जो अस्तित्व का बात है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। असम के सीएम और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है झारखंड सरकार है? तो आपके पीछे जासूसी किया जा रहा है और आपने देखिए हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं और अभी भी जिस दल में बड़ा दल में हम सदस्य लेने जा रहा है दल का जो नियम है दल का जो हमको काम देंगे उसी अनुसार हम काम करते आगे बढ़ेंगे। काफी पैदल घूमके नंगे पांव घूमके हम हर चीज हम देखा है, झारखंड अंदर जंगल से लेकर शहर तक मजदूर आंदोलन हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे। हजार हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है, 15-16 हजार से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया। हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है और जो भारतीय जनता पार्टी में आई इस राज्य को विकास करने के लिए और आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए है इस दल में हमने शामिल हो रहा है।